गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं मैथ क्लास 9th एक्सरसाइज 12.2 का पार्ट 5। पार्ट 5 में हमने 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। इससे पहले हम पार्ट 6 तक में पार्ट 4 तक में जो है हम 7 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो पार्ट 5 में हम 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन को रीड करवा देता हूँ। क्वेश्चन में हमें कहा क्या हुआ है, देखिए। ए फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। एक डिजाइन जो है वो 16 टाइल्स से मिलकर बना हुआ है। विच आर ट्रेंगुलर आर द साइड ऑफ रेक्टेंगुलर बींग 9, 28 and 35 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल एट द रेट ऑफ 50 per cm². 50 per cm² के हिसाब से जो है वो आपको टाइल का, 16 टाइल का ये बताना है। और ये एक टाइल्स का आपको जो है वो ट्रेंगुलर गिवन है, ठीक है ना। ये टोटल 16 टाइल्स है। तो देखते हैं हम इसका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखो, साइड हमें कितनी गिवन है, आप लेट कर लोगे कि लेट हमें साइड क्या गिवन है। ए लेट कर लेते हैं 35, सबसे बड़ी साइड को ए लेट कर लिया मैंने 35 सेंटीमीटर। बी हमारा 28 सेंटीमीटर और सबसे छोटे वाली साइड को सी 9 सेंटीमीटर। यह हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो आप इसका पहले एक ट्रायल का एरिया फाइंड कर लीजिए। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए की वैल्यू 35, बी की वैल्यू 28, सी की वैल्यू 9/2। तो एस इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 72/2। तो एस की वैल्यू आ गया 36, एस की वैल्यू 36, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अब आप क्या कर लोगे, एरिया ऑफ वन टाइल्स, वन टाइल का एरिया क्या हो जाएगा, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये आ जाएगा रूट में एस 36, 36 माइनस ए की वैल्यू 35, 36 माइनस बी की वैल्यू 28, 36 माइनस 9। तो ये आ गया रूट में 36, 36 माइनस 35 1 और ये 8 और ये 27। तो आप देख सकते हो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए, 2 × 2 × 3 × 3। 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 2। 27 के प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 3 × 3। अब आप देख सकते हो ये 2 और 3 जो है वो कितनी बार आ गए टोटल। देखो मैं काउंट करता हूँ, 2 कितनी बार हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 5 टाइम 2 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। 3 कितने टाइम हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 3 भी 2, 5 टाइम हो गया। तो आप लिखोगे 2 के पेयर बन गए, ये 2 के पेयर बन गए, 3 के पेयर बन गए, ये 3 के पेयर। तो जिस 2 के पेयर बन गए, देखो ये 2 के पेयर बन गए बाहर, इस 2 के भी पेयर बन गए ये भी रूट से बाहर, इस 3 के पेयर बन गए ये भी रूट से बाहर, इस 3 के पेयर बन गए ये भी रूट से बाहर। और रूट में क्या रहा, ये के वाला 2 और ये के वाला 3। तो आपके पास वैल्यू आ गया 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, 36√6। ये हमारे पास आ रहा है एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का एरिया, ठीक है ना। ये हमारे पास अभी एरिया आ रहा है, तो ये हमारे पास एरिया आया है वन टाइल का। तो हमारे पास तो जो है वो टाइल कितनी थी, 16 टाइल थी। तो आप लिख लो एरिया ऑफ 16 टाइल्स, 16 टाइल्स का एरिया क्या हो जाएगा आपका, 16 × 1 टाइल के एरिया से मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास आ जाएगा, 16 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 × 36, तो ये आ जाएगा 576 और साथ में √6। तो 576 और √6 की वैल्यू क्या होगी, √6 की आपकी वैल्यू हो जाएगी, √6 की हम वैल्यू यहाँ पर देखो फाइंड कर लेते हैं। √6 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए 6, ये रफ काम है बेटा, 2 × 4 ये आ गया 2, 2 × 2 = 4, ये 00, 4 के आगे आप लगा जाओगे 14.4, 4 × 4 = 16, 1, 1 = 6, तो ये आ गया 2.4 समथिंग, ठीक है, 2.4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो।
ये आ जाएगा तुम्हारा 2.2400044848 को आप 3 से 2.43, तो ये 576 into 2.45 ये आ रहा है 2.45, तो ये हो गया 411.2, ये रूट सिक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना कितना ये सेंटीमीटर स्क्वेयर आ गया एरिया ऑफ 16 टाइल्स, ठीक है ना। अब आपको कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट गिवन है कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर, 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर की कॉस्ट है 0.15 रुपीज़, तो आप लिख लोगे कॉस्ट ऑफ 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वेयर की क्या हो जाएगी 0.50 को 1411.2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 705.6 रुपीज़। तो ये हमारा खर्चा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वेयर, इतनी जो है वो हमारा खर्चा टोटल लगभग आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा आपको मिलने के चांसेस है। देखो ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम व्हिच पैरेलल साइड आर 25 मीटर 10 मीटर द नॉन पैरेलल साइड आर 14 and 30 मीटर, ठीक है ना। तो फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, एक एरिया फील्ड जो है वो ट्रेपेजियम साइड का है, ट्रेपेजियम शेप का है, ठीक है ना। तो देखिए ट्रेपेजियम शेप कुछ इस तरीके की होती है, ये आपके सामने मैं ट्रेपेजियम शेप बना रहा हूँ, ये देखो ये ट्रेपेजियम शेप होगी ए बी सी डी, और ये पैरेलल साइड होती है और ये नॉन पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड आपको कितनी गिवन है 25 और 10 मीटर, यानी ये 10 मीटर है और ये बड़ी है, तो ये टोटल कितनी है पूरी 25 मीटर। और नॉन पैरेलल साइड आपको क्या गिवन है 14 मीटर, एक 14 मीटर है और एक 13 मीटर, तो इसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 sum of parallel side into height, लेकिन अभी इसमें हमें हाइट नहीं पता है, तो हम हाइट पहले यहाँ पर फाइंड करें। तो हाइट कैसे फाइंड करेंगे, देखो हम एक यहाँ पर ऐसे एक लाइन लगा लेते हैं, किसके पैरलर, इस लाइन के पैरलर, बी डी के पैरलर मैं एक लाइन लगा देता हूँ ए ई, ठीक है ना। तो ये 13 है, बी डी 13 है, तो ये ए ई भी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने एक कंस्ट्रक्शन कर ली, ठीक है ना। हमने क्या करा, ड्रॉ ए ई पैरलर बी डी, ठीक है ना, ए ई इज इक्वल टू बी डी, दोनों जो है वो 13 मीटर, ठीक है ना। और ये आपका कितना है, ये 10 मीटर, तो डी ई भी कितना हो जाएगा 10 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू 10 मीटर, तो ये कितना बचेगा, ये पूरा 25 है, 25 में से 10 हो गया, तो ये कितना बच गया 15 मीटर। तो अब आप इस ट्रायंगल को ले लो, इन ट्रायंगल ए सी ई, ए सी ई का मैं अलग से फिगर बना लेता हूँ, देखो ए सी फिगर अब ऐसा बन गया, ए सी ई, ए सी में ये 15 है और ये 13 मीटर है और ये 14 मीटर है, ठीक है ना। तो आप इसको लिख लोगे एस इज इक्वल टू, इसका एरिया फाइंड कर लो, ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 14 और सी की वैल्यू 13 मीटर, तो एस का फाइंड कर लो, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 15 + 14 + 13/2, ये हो जाएगा आपका 15 14 29 29 42/2 21। तो अब एरिया फाइंड कर लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, रूट 21 21 माइनस 15 21 माइनस 14 21 माइनस 13, तो ये हो गया 21 21 माइनस 15 गया 6 और ये 7 और ये 8। 21 का रूट क्या होगा 7 into 3, 6 का रूट क्या होगा 2 into 3, 7 7 ही रहेगा, 8 का क्या होगा 2 into 2 into 2। तो आप देख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई क्या आ जाएगा, देखो 2 कितनी बार हो गया 1 2 3 4, तो इन सभी 2 को एक साथ लिख दीजिए,
वन टू थ्री फोर, थ्री कितने टाइम हो गया वन टू, तो थ्री को भी एक साथ लिख दीजिए। सेवन कितनी बार हो गया वन टू, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया। तो इस तरीके से हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीई क्या आ जाएगा, टू के पेयर बन गए थे रूट से बाहर, ये देखो टू के पेयर बन गए रूट से बाहर, दो बार टू के पेयर बन गए, दो रूट दो टू आ जाएंगे, और थ्री भी एक बार बन गया, थ्री के पेयर बन गए सेवन के, तो ये आ जाएगा टू थ्री जा टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व सेवन जा एट्टी फोर, 84 मीटर स्क्वेयर आ गया इस ट्रायंगल का एरिया। तो अब आप लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीई 84 मीटर स्क्वेयर। अब ये ट्रायंगल का एरिया आ गया आपके पास। अब आप क्या करोगे, इसमें एक हाइट जो है वो ड्रॉ कर लो, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया एफ ए एफ। तो अब फिर आप इसका लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीई किसके इक्वल होगा, देखो वन बाय टू बेस इंटू हाइट, हाइट क्या हो गया अब ए एफ, एफ है यहाँ पर, तो आप इसको एरिया को लिख दो वन बाय टू बेस यानी सी ई और हाइट यानी ए ई ए एफ, ठीक है। तो एरिया तो आ गया 84, वन बाय टू बेस आपका 15 और हाइट इससे फाइंड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 84, ये टू मल्टीप्लाई 15 डिवाइड, तो ये हो गया ए एफ की वैल्यू, यानी आपके पास क्या आ जाएगा, ये अगर थ्री से कट कर दिया थ्री टू जा सिक्स और थ्री एट जा 24, थ्री के टेबल में अगर इसको कट करते हो थ्री थ्री जा थ्री फाइव जा 15, तो ये आ गया 48 56 अपॉन 5, यानी आपके पास ए एफ कितना आ जाएगा 11.2, ये आपकी हाइट आ गई। अब आप जो है वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपको अब आपको जो है वो ट्रेपेजियम की हाइट का पता चल गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, वन बाय टू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, वन बाय टू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड आपकी थी 10 प्लस 15 और हाइट क्या आई है 11.2, तो वन बाय टू ये हो गया 35 और ये 112 अपॉन 10, पॉइंट का 10 लगा दिया, तो ये आ जाएगा टू के टेबल पे कितने में कट हो गया 56, टू फाइव के टेबल पे टू पे, फाइव के टेबल पे सेवन पे, और फिर से टू के टेबल पे 28, तो ये आंसर आ जाएगा 7 8 56, 5 7 2 14 और 196 मीटर स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 196 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन जो है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो दोबारा से एक बार क्लियर कर देता हूँ। हमने क्या कर लेना, पहले इसके पैरेलल बी डी के पैरेलल एक लाइन लगा के इसका ट्रायंगल बना देना है, ये अगर 13 है तो ये वाली साइड भी 13, ये 10 है तो ये वाली साइड भी 10, तो ये बच कितना गया, यानी कि पूरा 25 में से 10 तो ये चला गया, ये 15 बच गया, अभी 15 बच गया। इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया हमने, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया तो ये 84 आया। फिर इस ट्रायंगल के एरिया को हम क्या लिख देंगे, वन बाय टू बेस इंटू हाइट, ताकि आपको हाइट पता चल जाए ए एफ। अब हमें ए एफ हाइट पता चल गई, फिर आप ट्रेपेजियम का एरिया लगा के, एरिया का फॉर्मूला लगा के वन बाय टू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, जो हाइट निकाल ली थी वो यहाँ पुट कर दीजिए और ये आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके आपने नोट डाउन कर लेना है ये स्टूडेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एग्जाम होगा तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका जरूर आएगा 12th चैप्टर में से, ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखना, ठीक है, ओके स्टूडेंट, गुड बाय, टेक केयर।